एक बात ये कहता हूँ, मैं गुलबर्गा के लिए मैं हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ। कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ गुलबर्गा कुड़ा के आज मजराम खान साहब ने आज जैसे ही उन्होंने चेयरमैनशिप की शपथ ली, साथ ही साथ इस खुशी के मौके पर कई सारे लीडर्स, कई सारे वीआईपीज मजराम खान साहब की गुलपोशी करने के लिए कुड़ा ऑफिस पहुंचे। सबसे पहले मजराम खान साहब के साथ कई सारे लोग इस ओत में शामिल थे। सबसे पहले बारगाह हजरत ख्वाजा मंदाना औलिया दराज रहमतुल्लाह अलैह से सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी, वो खुद यहाँ पर आकर मजराम खान साहब की गुलपोशी की, साथ ही साथ नॉर्थ के एमएलए कनीस फातिमा वो भी गुलपोशी में शामिल थे। साथ ही साथ साउथ के एमएलए अलमरू पाटिल वो भी इस गुलपोशी में मौजूद थे। और इनके साथ साथ बाबा खान साहब, एमवाई पाटिल और अलग अलग मसलत के लोग, जैसे कि अलग अलग पार्टीज के लोग, अलग अलग वीआईपीज, अलग अलग बिजनेसमैन, कई सारे लोग इस ओथ के सेरेमनी में शामिल थे। और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और भी कई सारे लोग इस ओथ सेरेमनी में शामिल थे। आइए देखते हैं मजराम खान साहब की एक स्पेशल रिपोर्ट। आज सबसे पहले मैं अल्लाह का, भगवान का शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे ये पोजीशन दिए गए। उसके बाद मेरे लीडर एआईसीसी के अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, और खास तौर से मेरे युवा नेता, युवाओं की दिल की धड़कन, मेरे पॉलिटिकल मेंटर जनाब प्रियांक खड़गे साहब का, डॉक्टर शन प्रकाश पाटिल साहब का, अजय सिंह साहब का, खास तौर से हमारे मैडम गुलबर्गा नॉर्थ कनीस फातिमा साहिबा का, अलम प्रभु साहब का, हमारे डीसीसी अध्यक्ष जनाब जगदेव गुत्तेदार साहब का, और हमारे गुलबर्गा के जितने भी तमाम सीनियर लीडर्स हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस पोजीशन पे यहाँ पर जीडीए चेयरमैन की पोजीशन पे बिठाए हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में ऐसा पोजीशन दिए हैं। मैं तमाम हमारी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान को और एक कार्यकर्ता को चुनकर ऐसा पोजीशन दिया है। इसे ये मालूम होता है कि हमारी पार्टी नौजवानों को और कार्यकर्ता को हमेशा से आगे बढ़ाती है ये पोजीशन देकर। और मैं आज जीडीए का चार्ज लिया हूं, मैं जब रिव्यू मीटिंग करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिर मैं एक प्रेस करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी 5 मिनट हुआ है जीडीए के बारे में मैं जो यहाँ पर जो चल रहे हैं वो चीज़ें मैं पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने फिर एक बार प्रेस मीट करूँगा। जब मैं रिव्यू मीटिंग लूँगा फिर आपके सामने आऊँगा। एक बात ये कहता हूँ, मैं गुलबर्गा के लिए मैं हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये एक बात बोलना चाह रहा हूँ। और मेरी एक सोच है कि गरीबों के लिए और गुलबर्गा के लोगों के लिए ऐसे एक दो चार लेआउट्स बनाऊं जहां पर मैं सस्ते प्लॉट्स 20-30 साइज के सस्ते प्लॉट्स में जो गुलबर्गा के जो लो इनकम जो लोग हैं स्कीम में या डिजर्विंग लोगों को मैं वो प्लॉट दे सकूं, ऐसा मैं ये करूंगा। और तीसरी बात, मैं यहाँ पर जीडीए में एकदम ट्रांसपेरेंसी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यहाँ पर आप तमाम लोग, यहाँ खास तौर से बिलगुंदी साहब, हमारे सीए पाटिल साहब और हमारे बेलमगी साहब, वाहद बाबा साहब, मुस्तफा साहब और हमारे बंते जी साहब और हमारे सीनियर लीडर्स तमाम, और मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मेरे वेलविशर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन बाबा खान साहब को और तमाम लोगों को
मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम प्रेस वालों को जो आधा घंटा से यहाँ ठहरे हैं, मैं आप लोगों से दिल की गहराई से माफी चाहकर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।